नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन मोरवाल और मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राशि खन्ना की कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री और सिंगर हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। राशि खन्ना ने 2014 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म उहुलू गुसा गुलासडे के साथ डेब्यू किया था और इसमें उन्होंने फीमेल लीड रोल यानी बतौर अभिनेत्री मुख्य भूमिका निभाई थी। और फिर भी इन्होंने तमिल फिल्म इमी काका नोडिगल जो कि 2018 में रिलीज हुई थी उस फिल्म से डेब्यू किया और इसमें भी इन्होंने बतौर अभिनेत्री लीड रोल प्ले किया। राशि खन्ना ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है जिसमें इन्होंने 2017 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म विलेन के साथ डेब्यू बतौर अभिनेत्री लीड रोल प्ले किया था। राशि खन्ना कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में जैसे बंगाल टाइगर 2015, सुप्रीम 2016, जय लवकुशा 2017, थोली प्रेमा 2018, इमायका नोदिगल 2018, वेकी मामा 2019, प्रतिमा रज्जू पंडे 2019 में दिखाई दी और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। राशि खन्ना ने फिल्म जोरू 2014 के साथ एक गायक के रूप में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और इन्होंने खलनायक 2017, बालक कृष्णुड्डू 2017, जवां 2017, ओरंथा अन्नु कुंतुनारू 2019 और प्रगति रोजू पंडेज 2019 के लिए भी गाना गाए हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म यानी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मद्रास कैफे 2013 के साथ सपोर्टिंग रोल में अपने करियर की शुरुआत की थी। जब राशि खन्ना युवा थी तो वह एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी ज़्यादा होने लगी और वह एक IAS अधिकारी बनना चाहती थी। एक इंटरव्यू में राशि खन्ना ने कहा कि उन्हें न तो मॉडलिंग में रुचि थी और न ही अभिनेत्री बनने के बारे में उन्होंने कभी भी सोचा था और यह उनका भाग्य था जिसने उन्हें अभिनेत्री बनाया। फिल्मों से पहले विभिन्न विज्ञापनों में अभिनय करने से पहले वह विज्ञापनों के लिए एक कॉपीराइटर भी थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको राशि खन्ना की कंप्लीट बायोग्राफी, जैसे उनका करियर, उनकी एज, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी नेटवर्थ से आपको इस वीडियो में रूबरू करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इनके बायो और विकी के बारे में। तो फुल नेम इनका राशि खन्ना, इनका फुल नेम है। प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन इनका एक्ट्रेस और सिंगर है ये। अब दोस्तों जान लेते हैं इनके फिजिकल स्टेट्स एंड मोर के बारे में। तो हाइट इनकी 5 फीट 6 इंचेस इनकी हाइट है। वेट इनका 57 किलोग्राम इनका वेट है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके फिगर मेजरमेंट्स के बारे में। तो 34 28 34 इनका फिगर मेजरमेंट्स है। दोस्तों आई कलर की बात की जाए तो डार्क ब्राउन है। हेयर कलर इनका ब्लैक है और स्किन कलर इनका फेयर कलर है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी 30 नवंबर 1990, एज इनकी 2021 के हिसाब से 31 इयर्स की हो चुकी है। दोस्तों बात करें इनके बर्थ प्लेस की तो न्यू दिल्ली इंडिया इनका बर्थ प्लेस है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके जोडियक साइन और सन साइन के बारे में जो कि सेगिटोरियस है। नेशनैलिटी दोस्तों इनकी इंडियन है और होम टाउन इनका न्यू दिल्ली है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके रिलीजन के बारे में जो कि हिंदुइज्म है। हॉबीज़ की बात की जाए तो सिंगिंग, पोएट्री, रीडिंग और ट्रैवलिंग इनकी हॉबीज़ है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके एजुकेशन डिटेल्स के बारे में। तो स्कूल इन्होंने सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली से इन्होंने स्कूलिंग की है अपनी। दोस्तों अब बात करेंगे कॉलेज की तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन न्यू दिल्ली से इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बीए इन इंग्लिश इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके बॉयफ्रेंड के बारे में। तो इनके बॉयफ्रेंड का नाम जसप्रीत बुमराह जो कि एक मशहूर क्रिकेटर हैं और आपको बता दें कि अभी ये दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो फादर का नाम है राज के खन्ना जो कि मेट्रो सेल्स कॉरपोरेशन में काम करते हैं। मदर की बात की जाए तो सरिता खन्ना जो कि एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा दोस्तों इनका एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम है रौनक खन्ना।
दोस्तों अब जान लेते हैं इनके सैलरी और नेटवर्थ के बारे में। तो सैलरी इनकी 30-40 लाख इंडियन रुपीज़ इनकी सैलरी है। नेटवर्थ की बात की जाए तो $2 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। दोस्तों अब आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों लास्ट में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।